अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। क्या आप लोगों के घर में भी सालन बच जाता है और वेस्ट जाता है? तो आज के बाद आप लोग बचे हुए सालन को वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसकी रेसिपी तैयार करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया, इसमें मैंने प्याज डाल दी, ठीक है। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो प्याज को मैं अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर देती हूँ। रेसिपी बहुत अमेजिंग है, तो पूरी रेसिपी को देखते जाना है। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 2 मिनट इसको मज़ीद पकाते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अदरक लहसुन की खुशबू आने लग गई है, अब हम इसमें बचा हुआ सालन, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, तो ये 2 सालन मेरे पास बचे हुए थे, एक आलू मटर का है और एक चिकन का है, तो इसको मैंने वेस्ट नहीं किया, यही मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। तकरीबन अगर आप लोगों के पास जितने भी सालन बच जाएँ, तो कोई ऐसा बॉक्स बना लें जिसमें आप लोग उस सालन को जमा करते जाएं और इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करें, ठीक है। अच्छी तरह से पहले आप लोगों ने तमाम चीज़ों को मिक्स करना है, इसके बाद आप लोगों ने कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देने हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड कर देना है, हसबे ज़ायका नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, ऑयल सेपरेट होने तक इसको भूनें, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो माशाल्लाह से ऑयल सेपरेट हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे तमाम चीज़ें हमारी भून चुकी हैं, अब हम इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है। अमेजिंग रेसिपी तैयार हो रही है, तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखते जाना है, कहीं से आप लोगों ने स्किप नहीं करना, छोड़ के नहीं जाना, बस आप लोगों ने इसको देखते रहना है। पानी में बॉयल आने तक वेट करते हैं, पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे इन चावलों को, ठीक है, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। तो आप लोगों ने इसमें चावलों को डाल देना है, इस तरह से आप लोग तमाम सालन इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सालन ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी रिस्क की चीज़ ज़ाया करते हैं तो इसमें घर में बरकत नहीं आती। तो आप लोग रिस्क को ज़ाया बिल्कुल ना किया करें। चम्मच को मैंने इसमें चला लिया है, तो माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद तमाम पानी खुश्क हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग लुक आ रही है। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर रखेंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी। 10 मिनट वेट करते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से खिले खिले हमारे ये चावल तैयार हो चुके हैं, वो भी बचे हुए सालन से, जो कि हम लोग ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो आज के बाद आप लोग बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, जब आप लोग मेरी ये रेसिपी देख लेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। फाइनल लुक आ चुकी है, रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक नए अंदाज़ में। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।